सीजन में तो ये रिसॉर्ट ओवरबुक रहता है, ऑफ सीजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि रिसॉर्ट हाईवे से दूर है ना। एक बात बताओ, तुम बहुत लकी हो। वो कैसे? हनीमून मनाने के लिए तुम्हारे पास ही अपना रिसॉर्ट है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा हनीमून कभी खत्म ही नहीं होगा, तुम्हें वापस जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा मतलब कि ये हनीमून सिर्फ मेरा है? ट्रियान, ये पुतला कितना अजीब सा है ना, तुम्हें अपने रिजॉर्ट सजाने के लिए यही मिला था, कितना डरावना लगता है ये। क्रिस्टीना, तुम जानती नहीं, हमारी शादी के वक्त कैलाश और विकीना ने हमें ये अच्छा तोहफा दिया था। जैसे वो हमारे वेल विशेस हैं, वैसे ये पुतला हमारे इस रिसॉर्ट का खास ध्यान रखता है, लाइक अ गार्डियन एंजल, यू नो। लो, शैतान का नाम लिया और ये आ गई। मुझे इसे देखकर अच्छा नहीं लगता, कितनी अजीब सी दिखती है ना ये, शायद कैलाश इसीलिए से छोड़कर भाग गया। वैसे कुछ पता चला कैलाश का? अभी तक तो नहीं। वैसे क्रिस्टीन, तुम खामखा इसके पीछे पड़ी हुई हो। शी इज अ नाइस वुमन, यू नो। अब पता नहीं इन दोनों में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है कि कैलाश जल्द से जल्द वापस आ जाए। लेकिन उसे तुम्हें फोन तो करना चाहिए था कि नहीं? करना तो चाहिए था। वैसे काफी रात हो गई है, फोन करना जरूरी है। आने वाली है, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। कैसा खतरा? नहीं, इसे हाथ मत लगाना। ये रूस बेदान की किताब है, ये बहुत पुरानी किताब है। पुराने जमाने में लोग इस धरती पर आत्माओं को बुलाते थे। ये सिर्फ दो ही किताबें हैं, एक तुम्हारे सामने और दूसरी कोई नहीं जानता। ऐसी क्या खास बात है इस किताब में? इस किताब में ऐसी शक्ति है कि बेजान चीजें भी जिंदा हो जाती हैं। किसी भी बेजान चीज में जान डाल सकते हैं? फिर तो तबाही मच जाएगी। कोई भी शक्ति अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। इस किताब से किसी
किसी की मदद भी की जा सकती है और उसे बर्बाद भी किया जा सकता है। सानिया, तुम ये नाम याद रखना, रूस बेदान। रूस बेदान? अच्छा, तुम ये नाम उल्टा पढ़ सकती हो? नोदा बेजूर। सानिया, अगर तुम्हें आत्माओं के बारे में जानना है तो ये नाम याद रखना ही पड़ेगा। क्या मुसीबत आ सकती है मेरी फैमिली पे? क्रिस्टीन और रायन किसी प्रॉब्लम में तो नहीं? अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मेरा मकसद अपना काले जादू से पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा और जो कोई मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे रीसा करी रीसा की कश्यां कश रीसा करी रीसा की कश्यां कश नीलज नकोदा 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 ये पुतला तो शाम तक यहीं पर था, अब कहाँ चला गया? मुझे ताकत मिलेगी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। जागो जागो, अब तुम में जान आ गई है। जागो, ये मेरा आदेश है। जागो। ये आवाज तो विकिना के कॉटेज से आ रही है। ये शरीर मैंने तुम्हें दिया है। जागो, जागो। क्या हो रहा है? इस पुतली के साथ क्या करी हो तुम? क्रिस्टीन ठीक ही कहती थी, तुम आत्माओं के साथ खेलती हो। अच्छा नहीं किया तुमने, बिल्कुल अच्छा नहीं किया यहाँ आकर। बेचारे कैलाश की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर पनाह दी और तुम मेरे रिसोर्ट में ये सब काम कर रही हो। इस वक्त मैं एक अनोखी ताकत पाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे परेशान मत करो। पागल हो चुकी हो तुम। ये उल्टे सीधे काम करके तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। आ, 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 आ,
ब्रायन को मारना पड़ेगा। तुम मुझे मारोगे? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। कैलाश ने जो इतने प्यार से तुम्हें ये पुतला दिया है, ये मारेगा तुम्हें। ये पुतला मेरी हर बात मानता है और अब ये तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जीवन के बंधन से मुक्त कर देगा। अब तुम मरो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते। रायन बच के नहीं जाना चाहिए। एक काम करती हो, इसकी बॉडी को रिजॉर्ट के गेट पर डाल देती हो। सबको लगेगा कि यहां चोर आया था। रायन ने चोर को रोकने की कोशिश की और फिर चोर ने रायन पर हमला कर दिया। रायन मर गया। थैंक्स। हेलो हेलो, वो जो तुम्हारी मेजो आंटी हैं, वो क्रिस्टल बॉल वाली, वो कितनी पुरानी सी लगती हैं, लाइक समथिंग नॉट ऑफ दिस एरा। तुम अपना मुंह कुछ देर के लिए बंद रखो, मैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रही हूँ। ये आत्माओं की शक्तियों के बारे में है, काली शक्तियों के बारे में। काली शक्तियाँ? काली मतलब ब्लैक। तुम्हारी मेजो आंटी से पूछो कि ब्लैक क्या है, तो वो कहेंगी ब्लैक एक हॉरर फिल्म का नाम है जिसमें अमिताभ और रानी काली शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखते हैं। हाय क्रिस्टीन। पहले ही तो हम रायन से मिले थे मुंबई में, उसने हमें बुलाया भी था, मगर किस्मत के आगे किसका जोर चलता है? किस्मत ने नहीं, मेरे रायन को किसी ने मारा है। क्या रायन का किसी से कोई झगड़ा हुआ था? यहाँ कौन झगड़ा करेगा उससे? मैं इंस्पेक्टर अहमद। आपके हस्बैंड की मौत के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा, उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करनी है। आपको कुछ पता चला इसमें किसका हाथ था, किसने खून किया है? ब्रायन की बॉडी इतनी बुरी तरह से कटी हुई थी, ऐसा लगता था जैसे किसी पागल आदमी का काम है ये। क्रिस्टीन, क्रिस्टीन उनकी लाश को देखकर बहुत डर गई है। आप? मैं क्रिस्टीन का भाई हूँ शॉन, और ये मेरी फ्रेंड सानिया। हम अभी मुंबई से आए हैं। घर में और कौन कौन है? अभी फिलहाल तो क्रिस्टीन रहती है। इंस्पेक्टर साहब, क्या इस एरिया में पहले भी ऐसा हादसा हुआ है? जो रायन के साथ हुआ वो तो बहुत डरावना है। मैंने सारी रिपोर्ट्स देखी हैं और डेड बॉडी की फोटो को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये किसी ने बदला लेने के लिए किया है। लेकिन आप यकीन रखिए,
मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा कि इस खून के पीछे कौन है। मैडम, आपको किसी पे शक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लेकिन हमारे रिजॉर्ट का मैनेजर कैलाश कुछ दिनों से गायब है। हाँ, पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आपने उसकी वाइफ विकिना से पूछा? हाँ, पर कुछ खास नहीं। आप कहना क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो या कुछ पता चले तो मुझे इस नंबर पर फोन कीजिए। कोई तो बात है, इस विकीना पर नजर रखनी पड़ेगी। क्या लगा? भूत? नहीं, मगर यहाँ कुछ अजीब है। अजीब है मतलब? वो देखो, वो पुतला, वो स्केल्ट्रो, मुझे ऐसा लगा कि मुझे देख रहा है और फिर वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। कहाँ? वो बेचारा चुपचाप खड़ा है अपनी जगह पर। यार तुम भी ना, कोई पुतला हिल सकता है, चल सकता है? नहीं ना, तुम हो कि कुछ भी। तुम दिन में सपने देखने लगी हो? नहीं शॉन, खून के आंसू देखो, मैं देखे उस पुतले में खून के आंसू। शॉन, उस पुतले की आंखों में खून के आंसू है। शॉन, शॉन, डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? हम चलते हैं अंदर रूम में, चलते हैं। चलो चलो, आ जाओ, चलो। जब पूरा चांद निकलेगा ठीक आधी रात को 12 बजे, जब सारे सितारे एक साथ चमकेंगे, तब रूज बेदान का वो आखिरी मंत्र पढ़ना चाहिए। बस एक रात और, एक रात के बाद मैं इस रूज बेदान का आखिरी पन्ना पढ़ूंगी और फिर आत्माओं की शक्ति इस दुनिया में उतरेगी, मनों की शक्ति मेरे पास होगी, जिंदगी और मौत मेरी इस मुट्ठी में होंगे। इस वक्त कौन आया होगा? विकीना। आप? इंस्पेक्टर अहमद। तो यहां रहती हैं आप? यहां इतना अंधेरा क्यों? किसी मैनेजर की कॉटेज नहीं, ये तो कोई जादू टोने का अड्डा लग रहा है।
लगता है आपको अपने पति के गायब होने से बहुत सदमा पहुंचा है। खैर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। आप ये मुझे क्यों दिखा रहे हैं? रायन की लाश हमें इस हालत में मिली थी। ये या तो किसी पागल बेरहम इंसान की करतूत है या ये कोई ऐसी चीज है जिसे हम समझ नहीं सकते। लाश आपके कॉटेज से थोड़ी ही दूर पर मिली थी। मैंने सोचा शायद आपको कुछ पता हो। मुझे कुछ नहीं पता। इतनी दर्दनाक मौत चुपचाप तो नहीं हो सकती। कोई तो आवाज हुई होगी, कोई झगड़ा या फिर कोई चीख। आपने कुछ नहीं सुना? मैंने कुछ नहीं सुना। थैंक यू विकीना जी। ये इंस्पेक्टर बहुत तेज लगता है। इसे मुझ पर शक हो गया है लगता है। ये मेरा सारा काम बिगाड़ देगा। अब मुझे पुतले को एक बार फिर से जगाना होगा। हेलो कुमार, मुझे एक औरत के बारे में मालूम करना है। वो लवली रिजॉर्ट का मैनेजर कैलाश, जो अचानक गायब हो गया था, उसकी बीवी विकीना। हाँ वही, मुझे कल तक पता करके बताओ। यह अचानक सामने कौन आ गया? यहां तो कोई भी नहीं है। फिर अचानक गाड़ी से टकराया कौन था? झटका तो बहुत जोर का लगा था। ये क्या है? कौन हो तुम? ये क्या पहन रखा है? एक पुलिस अफसर पर हमला करने का अंजाम जानते हो तुम? मैं कहता हूं रुक जाओ। क्या हो रहा है? ये इंसान नहीं हो सकता। यही हाल होगा। ऐसे मारना चाहता है? लगा नहीं, वो वाकई यही था। वाकई? सानिया ने मुझे पहले भी बताया था कि इसने स्केयरक्रो चलते हुए देखा था।
वाकई यहाँ नहीं है। अब इस गड़बड़ का पता लगाना ही पड़ेगा। क्रिस्टीन, तुम सही कह रही थी, ये सारा काम विकीना का ही है, क्योंकि और कोई यहाँ पे है ही नहीं। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं उसी कॉटेज में और तुम यहीं पे रुको, ठीक है? दरवाजा बंद करो। ये तो किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है यार। विकीना किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा खतरनाक है। देखो ना, कैसी कैसी चीजें जमा करके रखी है। ये क्या है? रायन, क्रिस्टीन, मेरी फोटो। ये औरत तो हमारी फैमिली के पीछे पड़ गई है। वो देखो उधर क्या है। ये तो बहुत पुराना लगता है। लगता है विकीना का खजाना इसी में है। उसका खजाना भी उसकी तरह डरावना ही होगा। कुछ तो है इसमें जो उसने छुपाया है। लॉक तोड़ के देखते हैं। ये तो रूस मैदान की किताब है। शॉन, मेजर आंटी ने कहा था ये सिर्फ दो ही किताबें हैं, एक तुम्हारे सामने और दूसरी यहाँ। इसका मतलब विकीना काली शक्ति की मदद से यहाँ कुछ ना कुछ करने वाली है। और भी कोई निशान होंगे यहाँ, चलो ढूंढते हैं। जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? इंस्पेक्टर का फोन भी नहीं लग रहा, क्या करें अब? विकीना ने इसी किताब की मदद से बुरी आत्मा को बुलाया है, तो उसे वापस भेजने का तरीका भी इसी किताब में होगा। अब हमें बस मेजर आंटी बचा सकती है। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। हाँ। क्या रूस मैदान की दूसरी किताब विकीना के पास है? तभी सारी बुरी शक्तियाँ उसमें आ गई है। हाँ, मैंने खुद उस पुतले की आंखों में खून के आंसू देखे हैं, और ये सब उस पुतले से विकीना करवा रही है। सानिया, ये सब गड़बड़ वहाँ कितने दिनों से चल रही है? पता नहीं, सबसे पहले विकीना का पति कैलाश, जो उस रिसोर्ट का मैनेजर है, वो गायब हुआ। ये सब 3-4 हफ्ते पहले की बात है। 3-4 हफ्ते? और आज अमावस की रात है। जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। वो किताब कहाँ है?
वो किताब मेरे पास है। उस किताब के आखिरी पेज को उल्टा पढ़ना शुरू करो। लेकिन आखिरी पेज में क्या है? उसमें जो कुछ भी है सब पढ़ डालो। अगर विकीना ने उस पुतले को जिंदा कर दिया तो फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ समझ आ रहा है सानिया? सानिया प्लीज जल्दी करो। सानिया कम ऑन, कम ऑन सानिया, कोशिश करो। कुछ समझ आ रहा है, बोलो सानिया, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन सानिया। हेलो, तुमने मेरी किताब कैसे चुराई है? लाओ इसे दे मुझे। नहीं, तुम इस किताब की शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? आज की रात मेरा सारा काम खत्म हो जाएगा, ये सारी ताकतें मुझ में आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। कैलाश, इन सबको खत्म कर दो। कैलाश, कैलाश, आखिरी पन्ना। मेजर आंटी ने कहा था आखिरी पन्ना, आखिरी पन्ना, मगर ये तो आधा है। अब मैं क्या करूं? मेजर आंटी ने कहा था इसे उल्टा पढ़ना। शॉन, राहुल, तुम अभी जाओ और उस पुतले को बाहर रोको, जल्दी जाओ। ए, क्या? बाहर? शॉन, इसने यहां बहुत हंगामा किया है, यही तो टुकड़े कर दे। जरूर मिलेगी। कैलाश, इन्हें भी ऐसे ही काटो जैसे तुमने रायन को काटा। सानिया, इटू अंटुक सामुआ, नहीं नहीं, इसे तो उल्टा पड़ना है। राबा काटी सासा सहानी ब्लड तपम, जल्दी पढ़ो सानिया, इसे और जल्दी पढ़ो। नहीं, सासा सहानी ना ना ब्लड को रोको सानिया, जल्दी। जल्दी पढ़ो सानिया, इसे और जल्दी पढ़ो। इटू अंटुक सामुआ नप्लाड तपम राभा काटी सासा सहानी। मारो कैलाश, खत्म कर दो इसे। इटू अंटुक सामुआ राभा काटी, इटू अंटुक सामुआ राभा काटी, इटू अंटुक सामुआ राभा काटी, इटू अंटुक सामुआ राभा काटी सासा सहानी। रुजबेदान का उल्टा असर शुरू हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी इतनी सालों की मेहनत इस तरह से बेकार नहीं हो सकती। कैलाश, मारो!
नश हूं। मेरी बीवी ने मुझे मारकर मेरी आत्मा को इस पुतले के अंदर बंद कर दिया था। ये औरत खतरनाक है। इसके सर पर शैतान सवार है। इसकी इन्हीं शैतानी हरकतों की वजह से इसने इस पुतले का इस्तेमाल किया है। कैलाश, जाओ विकीना को मार डालो, जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करो। तुम मर चुके हो। तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाऊंगी। वापस जाओ। इसी वक्त वापस जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम मेरे पति हो या तुम मुझे प्यार करते हो? तुम मुझे नहीं मार सकते। नहीं 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 नहीं। ऐसे काम की यही सजा होती है। लेकिन सानिया, अगर ये पुतला फिर से चलने लगा तो? नहीं, मैं इस किताब को उस पुतले में फेंक देती हूँ ताकि इसकी सारी शक्ति खत्म हो जाए। I knew it, सानिया, कि तुम उसे संभाल लोगी। लेकिन मैं कुछ देर के लिए डर गया था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। काश हम यहाँ पिछले महीने आ गए होते, तो आज रायन हमारे साथ होता। काश रायन ने मेरी बात टाली नहीं होती तो आज। वैसे आज हम सबको सानिया को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये काली शक्तियों की काली किताबें नहीं पढ़ती तो वो स्केयर को हम सबका कीमा बना देता। बिल्कुल। चलो गाइस, लेट्स मूव यार, कुछ खा लेते हैं। Thank you.